तो वो ये चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग उन्हें फॉर्मूला मिल जाए, और हो सकता है कि ये जो अगर क्या फेस सेविंग क्या आप देख रही हैं, क्या इस्लामिक फौजों को वहां पे बिठाया जाएगा? क्योंकि अगर अमेरिकन्स वहां से जाते हैं, जैसे सोवियत गए, तालिबान की हुकूमत आ गई, आप सोचती हैं कि तालिबान इतने स्ट्रांग हैं कि इस बार अगर अमेरिकन्स वहां से जाते हैं तो दोबारा वो अपनी हुकूमत कायम कर लें? मेरा और ख्याल क्या है अमेरिका कि कोई एक्सेप्टेबल होगा? इसके बारे में कोई मैंने सर्वे या कुछ इस किस्म की चीज तो नहीं देखी है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जिससे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज तो यह है कि अमेरिकन्स ने और नेटो फोर्सेस ने जिस तरह वहशियाना फोर्स इस्तेमाल की है, और जिस तरह से, जिसको उनकी जबान में कोलेट्रल डैमेज कहा जाता है, मैं उसको कहती हूँ सिविलियन डेथ्स, बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े, हर एज ग्रुप के लोगों को और सब जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के लोगों को किया है जानों को तल्फ। तो इससे बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन फीलिंग फैली है। जो बात हो रही थी शुरू में कि विनिंग माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, और लोगों में इतनी एंटी अमेरिकन फीलिंग है उसको कोई भी एक्सप्लॉयट कर सकता है। तालिबान ये कह सकते हैं कि वो पहले रूल कर रहे थे, उन्होंने ही रिजिस्ट सिचुएशन किया जो थी है वो मच अमेरिकन बेटर प्रे थी। जी हाँ, और उन्होंने अमेरिकन प्रेशर को रिजिस्ट किया है। अमेरिका की फौजों के खिलाफ अगर कोई डॉक्टर रेजिस्टेंस साहब, मैं जिसने आपके पास दी आता है। हूँ, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नासरीन हमारे साथ रहेगा एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नासरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, जनरल साहब बता रहे थे कि सिचुएशन 87 जैसी है। जब सोवियत विड्रॉल हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी फौजें बढ़ाई, और फौजें बढ़ाने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, और अब भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। जनरल साहब, सपोज इनके सवाल मैं आपसे करता हूं कि अगर जैसे आपने कहा 87 जैसी सिचुएशन है और अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो ये बर्दाश्त करेंगे या लाइक करेंगे, या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये लाइक करेगी कि तालिबान दोबारा वहाँ पे आ सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, या वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह को इस्लामिक कंट्रीज की एक इस तरह नेटो की तरह की फौज बनाई जाए और वो वहाँ पे जो है अमन कायम करने के बहाने लाई जाएगी? जी बेग साहब, दो इश्यूज समझने के हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि सऊदी अरेबिया का भी और बहुत सारे और गल्फ कंट्रीज़ का भी और अमेरिका का बिलखसूस, यूरोप का और बाकी जनरली वर्ल्ड कम्युनिटी का इसके ऊपर इत्तफाक है कि अगर तालिबान अलकायदा से अपने आप को फासला कर लेते हैं, उनसे अलग होने का इंदिया देते हैं, और ये गारंटी उनको मिल जाती है कि अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान की सरजमीन पे से हमला नहीं होगा, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। ये दो चीज़ें उनकी तरफ से। लेकिन एक और मसला है, अनलाइक सोवियत यूनियन, जहां पे सोवियत यूनियन का खुद अपना फैसला करना था और उन्होंने अपने लोगों को भी ये बताना था कि हमारी फौज देखे, हमने बढ़ा के भी देख लिया, जब गोरबाचॉव ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने निकलना है, तो बहरहाल निकलने का भी एक तरीका होता है कि होम फ्रंट के ऊपर उनको ये बावर करवाना था अपने लोगों को कि हम देखें ज्यादा ट्रुप्स बढ़ा के भी कामयाब नहीं हो सके, और गालिबन अमेरिका यही चाहता है। लेकिन अमेरिका की कंपल्शन कुछ और भी हैं, मसलन इजराइल जो है वो चाहेगा कि अमेरिका खित्ते को खाली करने से पहले, इराक से तो वो जा रहा है, अब अगर अफगानिस्तान से भी निकलते हैं तो इसका मतलब है ये पूरा खित्ता ही उनको छोड़ना पड़ेगा, या इनके ऊपर जो उनका असर व रसूख है जिस हद तक वो कम हो जाएगा तो इसराइल के लिए उनका ख्याल है कि बहुत खतरात पैदा हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत से उनको है, और दूसरा ये कि ये जज्बा जहाद कहीं उनको तो नहीं आ घेरेगा, जिसका अफगानिस्तान के अंदर जाहिर है जज्बा जहाद कामयाब ठहरेगा तो फिर ये कहां जाएगा, क्या अफगानिस्तान की सरहदों को पार करके कहीं और भी जाएगा? एक ये इसराइल का खतरा, दूसरा अनफॉर्चुनेटली भारत का अपना खतरा है। भारत ने बहुत शदीद गलती की कि अपने आप को जरूरत से ज्यादा मलबस कर लिया अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे अब तक वो 1.2 अरब डॉलर भारत, जो कि खुद कोई इतने ज्यादा तो नहीं है उनकी मईशत स्ट्रांग कि वो दुनिया को इतना बड़ा रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देते फिरे, लेकिन उन्होंने इतना सरमाया वहां लगा चुके हुए हैं। उनकी 17 इंटेलिजेंस डिटैचमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, उनके बेशुमार जो काउंसिल खाने और जो एनजीओज हैं वो काम कर रही हैं। इसलिए भारत की जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है, अब वो भी क्योंकि बजरिया इसराइल वो अमेरिका की पॉलिसी साजी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक कि तालिबान के जो जज्बा जहाद है उसको कुचला जाए,
क्योंकि उनके सामने एक पूरी तारीख पड़ी हुई है, शहाबुद्दीन गौरी से लेके और फिर अहमद शाह अब्दाली तक एक लंबा सिलसिला है, और उनके अंदर एक अपना फियर है, एक खतरा है कि ये कहीं खतरा बढ़ के और भारत को अपनी लपेट में ना ले ले। और दूसरा उनको भी ये डर है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सलाहियत बच गई, अमेरिका यहाँ से चला गया, तो फिर भारत जो है उसकी जो वो पोजीशन चाहता है, और इतना बड़ा अपने आप को सेल्फ इमेज उन्होंने क्रिएट कर लिया है जो लार्जर देन लाइफ है, यानी अपने लोगों को उन्हें बताया राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या। जनरल साहब, आप ये नहीं देखते कि इतना बड़ा अमाउंट, जैसे आपने खुद कहा है कि इंडिया ने आज तक कभी किसी मुल्क को इतनी बड़ी एड नहीं दी है जितनी 1.2 बिलियन डॉलर्स की, मगर ये एड जो है, जैसे अभी भी पाकिस्तान में भी चीज़ें अखबारों में आई कि सवात में हमारी जो इंसर्जेंसी हो रही है उसको पूरी सपोर्ट जो है वो इंडिया की और कारगाई हुकूमत जो है अफगानिस्तान की वो उसको कर रही है, तो ये पैसा जो आ रहा है थ्रू अफगानिस्तान आ रहा है, हथियार उनको मिल रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये आप नहीं सोचते कि पैसा इसलिए दिया जा रहा है अफगानिस्तान को? जी बहुत सा इसमें यकीनन, और फिर पैसा तो ये तो अमेरिका की छतरी और उनकी हमायत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि हम सारे ही हुकूमत और हमारे कमेंटेटर सभी शर्मा रहे हैं इस बात को कहने से कि इसके पीछे, डिस्टेबलाइजेशन के पीछे खुद अमेरिका है। अब गौर कीजिए कि अभी हाल ही में जनरल मुलन ने, एडमिरल मुलन ने एक बयान दिया कि हम अपना दबाव ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे सदरन अफगानिस्तान में, कि इसके नतीजे में तालिबान जो हैं पाकिस्तान में दाखिल होके और फिर उसके बाद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे। ये बिल्कुल झूठ है, दरअसल वो पहले ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बलूचिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, करजई हुकूमत तो उनकी पपेट हुकूमत है ना, और इंडिया अगर बैठा हुआ है तो क्या अमेरिका से ये छुपा हुआ है? अब अमेरिकन ने खुद तस्लीम किया कि हमारे कुछ हथियार जो हैं वो सवात में पकड़े गए हैं, तालिबान के हाथ में हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारा एक धोखा है। असल बात वही है कि पाकिस्तानी फौज को इन्वॉल्व कर दिया जाए इस इलाके के अंदर, और उन्होंने जो 8 साल काम किया, ये हमारी ने बताया कि उनकी पूरी कोशिश यह है कि पाकिस्तान की फौज को इतना ज्यादा बिजी कर दिया जाए अफगानिस्तान के ऊपर, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकें और बलोचिस्तान और सरहद के इलाकों में बहुत बिजी हो जाएं, जैसे आपने देखा डॉक्टर साहबा। दूसरी, तालिबान की हमेशा एक शर्त रही है, वो ये कहते हैं कि जी वो गैर मुल्की फौजों को अफगानिस्तान में नहीं चाहते, अमेरिकन वहाँ से चला जाए। इसी तरह अमेरिकन ये कहते हैं कि जी तालिबान को कि आप अपने हथियार जो है सरेंडर कर दिए और रेजिस्टेंस छोड़ दें और हम चले जाएंगे। डू यू थिंक कभी ऐसा मौका आएगा कि अमेरिकन जो हैं उनकी बात मानेंगे कि जिसके अंदर मुल्क छोड़ के चले जाएँ, या जैसे जो वहाँ पर तालिबान है जो हथियारों को अपना जेवर कहते हैं वो कभी अपने, देखा आप जैसे देखा होगा सवात के अंदर भी वो शुरू में माहदों में ये शामिल था कि हम सरेंडर कर देंगे अपने हथियार, मगर बाद में उन्होंने नहीं किया। आप सोचते हैं कि मॉडरेट तालिबान जिनका जिक्र अमेरिका कर रहा है ये कभी ऐसा करेंगे कि अपने हथियार जो हैं वो सरेंडर कर दें? मेरा ख्याल है कि चूँकि ये एक बहुत पुराना उनके कल्चर का हिस्सा है और ये अब की बात नहीं है, ये सोवियत यूनियन के खिलाफ रेजिस्टेंस के खाली बात नहीं है, उनका तो ये एक सदियों से सिस्टम है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी गैर मुल्की पावर के कहने से वो हथियार छोड़ देंगे या हथियार डाल देंगे। जहाँ तक अमेरिका के विड्रॉल का है, वो तालिबान के कहने से विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन उनके अपने हालात, जैसे कि अगर सर्च की पॉलिसी अडॉप्ट करके देख चुके हैं, अगर सर्च से उनका काम नहीं बनेगा, जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं नहीं बनेगा, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक खाम ख्याली थी कि 17,000 फौज भेज के वो काबू पालेंगे अफगानिस्तान के लोगों पे, रेजिस्टेंस को। तो आप कह रही हैं डॉक्टर साहब कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि जो तालिबान हैं जिनको मॉडरेट भी आप कह रहे हैं वो करेंगे? जनरल साहब, एक छोटा सवाल आपसे और है जो इससे थोड़ा सा हटके है। ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो किसी वक्त भी, जैसे पहले कहा गया था कि अफगान इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए हैं और हमारे जो वॉर एड्स हैं उनके हाथ में लग सकते हैं, आप सोचते हैं कि तालिबान कभी भी ऐसा मौका आ सकता है कि हमारे न्यूक्लियर वॉर एड्स जो हैं वो उनके हाथ में लग सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस तरह का प्रोपागंडा जो है वो अमेरिका कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया कर रहा है, और इस तरह का दिया जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है? हरगिज़ नहीं वेग साहब, हरगिज़ नहीं। देखें आप 50-60 अगर तालिबान आ भी गए थे और वो भी एक प्रोपेगेंडा इतना किया गया और फिर जब पाकिस्तान फौज लॉन्च हो गई उनके खिलाफ तो अब ठंडा हो गया, तो ये सारी एक खेल हमारे साथ मीडिया हाइप क्रिएट करके किया जा रहा है। कह रहे थे कि जी तालिबान सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद से, भला इसका क्या ताल्लुक है? अगर वो पहुँच गए, वो तालिबान अपने इलाकों में बच्चे हैं ना, वहीं के लोग हैं,
अगर वो बिगड़ गए हैं तो उनका और भी तरीका हो सकता है,